कपटी भलो ना मित्र भलो ना निरलज सड़ो ठाकर भलो निजर भलो नहीं तो सबकार भलो ना होई सबकार भलो ना हो ये काल में पाल जो बांधे सगो भलो नहीं होई वो रात दिन खाती रोंदे बसे जमाई सासरे और घटे दीवारों कायदों बेताल कहे विक्रम सुनो इतरा में नहीं कवि वेताल कह कपटी वालो ना मित्र क्योंकि धोखेदार आदमी ने सही भली है धोखेदार आदमी ने भली है जग जीती चाओ पाओ महाराज कौम पड़े जने है जग वो पाड़े ना हाथ गाले तन कोई काम री बात री कपटी वालो ना मित्र और के वालो ना निर्द साड़ो दोलियों क्यों रो हाड़ो ही जे गिरावे तुम्हारा दिन दो दिनों बेसी नहीं राखनो क्योंकि बेन सुभाए है जो दूसरो आगे है जो संपर्क ही कौन अरे यूं जो बूढ़िया किया करे महाराज भीतरे मा आलो अरे मकान रो जाड़ो और घर में हाड़ भर जो कणो काम रोको है हाँ कपटी भलो ना मित्र और के भलो ना निज साड़ो ठाकर भलो नी जा गांव री एदगी मारो हाड़ो एड़ो थोड़ी है ठाकर बलोनी जार के बलोनी चोर रुकाड़ो गांव री एज की रक्षा करने वालों वे गांव रो ठाकर वे राजा वे अर वो अगर दी पूरी दृष्टि में जौन लाग जावे तो महाराज की एज को सहायता करने वालों कौन है क्योंकि बाढ़ रुठाड़ी खेत री और खेत बाढ़ खेत ने खाए अर राजा दंडे रेत में जन वो कठे को करण जाए खेत री रुखाड़ी वास्ते बाढ़ करो अर पजबा खेत ने खावे तन पज महाराज बाबू तो मारो जो पत्तो है मारिया तो एक दो तो ले जावे चार खाई ठाकर बलूनी जार के बलूनी चोर रुखाड़ो अब महाराज गांव के चोर बासरा के चोर पस के तू चार दिन फिर जाओ तो निग राखी तो महाराज बस यूं दे दो मिनट हैं सौकार वालो ना हो सौकार कहने के चार पैसा देव ना रो एर महाकाल पड़े जन के थार टाबर भी इधर मारा पैसा दे तो मरा सौकार ओकट है ले उते बाद में बलि ले लो हैं सौकार वालो ना हो और के काल में पाल जो बंदे अर सगो बलो ना ओय और रात दिन साथी रोंदे इकों ते राम राम सा बन सोपड़ी रखन जी मा हमारा हैं बसे जमाई सासरे अर गटे जी को रो काई तो जमाई सासरे बसे नहीं तन पेलो ना माई रही जाए हैं गटे दीवारो काई तो अर अरी कहे रे भाई के इतरा में दर्शन में कोनी फायदो आ मैं गणो फायदो कोन मारा नारी भली ना ओय नारी भली ना होय पतिस पे लिखावे
पति भलो न हो नारी खटनी करे पिता भलो नहीं हो पिता भलो नहीं हो राख दे कन्या कमारी पुत्र भलो नहीं ओ ये वो सीख जावे तोरी गारी पड़ी बाण छूते नहीं और कितना ही समझाय दो अरी कहे रे भाई इतरा रे दर्शन में स्त्री वेद की कवि लक्ष्मी हुए का गलत है महाराज जी। लुगाई सब ने जिमा करके बाद में बोधन क्यों करे के पुरानी टेमरे में महाराज भी टेमरे में अन कटे एड़ा एड़ा महाकाल पड़ता जो अपना बड़े रहे जगह खेल डे रहे जो छोटा खा टाइम पास करता बी टेमरे में ऐसी मर्यादा है के महाराज लास्ट में एजगी बा भोजन इर वास्ते करती अपनी माओ के महाराज अगर एक भी कोई जे मेहमान आ गयो सबने भोजन कराने रे बाद रे वहां तो बीरो जो को भोजन बचू रहे जो को पीने दिमाग दे महाराज की कर रही है जगी शान रहे अर फूड वे नहीं जगी पहली सब्जी रे माथो है जगी तरी तरी उतार गोड़ नीचे दे लेवे भरम फैल हो गया महाराज करोड़ बजाना वे तो कोई में नारी भली ना होई के पति सु पहला खावे अर पति भलो ना होई और नार भी खटनी खावे कई एड़ा इज में रहे के मैं थेज कमा लाऊं तो थे क्यों आगे भाई यार क्यों फोड़ दे क्यों यार कई एड़ा ही है महाराज के आगे लारे में गणवार फर्क कोई कई दिन तू भाई हो कई दिन तू वेले हो पति भलो ना होए और के नार भी खटनी खावे पिता भलो ना होए और के राख दे कन्या कमारी यार पुत्र भलो ना होए सीख जावे छोरी और सो थोड़ा काम ही के दिन महाराज दी बाप ने तो महाराज वो जीत जी है जो मरी समान है करनी जन के मरनो पड़े महाराज पड़ी बाण छूटे नहीं बाण पड़ी हो तो छूटे कौन अर कितना ही समझ आ दो अर हरी कहे रे भाई इतना में दर्शन में कोनी भाई दो संसार में सबसे बड़ी चीज कोई है के महाराज आपा लोगों को बोल है बोली हूं आदमी बोली है नहीं जो की मौन ही मंत्र है महाराज बोल सुन है जो आदमी है जो की ने आप है जो की थ्योर में कर लिया मेरे अरे बोली मुझे फेवर वाले में बैग जा तो रे महाराज कभी कहे पानी रे वाणी धनी और तू धन लीजे थान क्षमा दया हृदय धरो तुमने गुरु बता वापस लोग लिखे के मीठा बोलन और निम चलन प्रथम अपनो जो गुण है इंसान रो जो मीठो बोलनो है मीठा बोलन और निम चलन कर निम रवे महाराज नम्रता तर पते पर अवगण ढक लेन दूसरे रो जो अगर जे कोई अवगण है बिन कदी बे उजागर को करे नहीं अर आपो जो को महाराज दूसरो रो जदि दुख तुड़ी रगे नहीं बा पहला जानो भाई फलाण आदमी में कमी कोई है बोले आ है तो और ठीक है टेम रे माते काम करी मीठा बोलन निम चलन और पर अवगण ढक लेन अरे हरी भजन अरे पद सत्संग करना हमें सर ली जो महाराज आप सुन बड़ा रोशन करे अरे पद छट्टो में आता दे आत्मा है जो 5 रुपया दान कर दियो तो महाराज को है जो बिल्कुल है जो होड़ा है जो लिखित में है तो कभी कहे आजी बार सकता गाव तलवार कारे बार सकता गाव तलवार का बोली का ढाल
साम भरे नावो बोली का घावे भरे नरे बोली का घावे भरे न बोली का घावे भरे न भर सकता काव तल पाद का बोली किया पीहर का गमन किया भूत की नार ने हर पीहर का गमन किया भूत की नार ने आदिसी को उदासी छाई सेवाओं के कारण अरे उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार देख अंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने आता हुआ देख ऋषि क्रोध किया मन में अरे विष्णु को सहरा पदिया क्रोध करते तन मेरे नारी के वियोग से थी बटे तो बेपन राज को मारे का अनुमत बिना का दशरथ सुत राज को मारे का अनुमत बिना का करे नरे अनुमत बिना काज करे अनुमत बिना काज करे कभी कह के भर सकता गाँव तलवार का देखो बोली का गाँव भरे ना तलवार रो गाँव है जो भरी जावे पर महाराज बोली रो गाँव है जो भरी जगह महाराज दृष्टांत में लिखे के कोई पंडित जी महाराज आज जो महाराज की बच्ची रो क्यों मंडी हो और घर में बड़ी वाली गरीबी जब प्रण टेमरे मां नजदीक रे गामा रमा भी तो या करती ब्राह्मण वृत रो काम करता जिन पैदल बेवता और आपकी कोई बीत में जावे फिर भी टेम रमा महाराज रस्ते रे मत कोई सिंगरी घुरी फिर भी री मात कर महाराज है जो कन कर गया का सिंह आग बगुला उड़ो और गर्दना करी और ब्राह्मण आग जोड़ क्यों ले भाई चलो कोई बात कौन तू थारो है जो भोजन कर ले
और मारे ये जो एड़े गिने में गणों वालों की सारी गणों लगी हुई बंद हो। बोले क्यों भाई? सिंह देकर क्यों? बोले मारे घर में बड़ी भारी गरीबी है, खैर मारे बच्ची रो भी ना हो इस वास्ते मैं तो कोई वृत में जावे पहुंच रही है तो उगरा ही करने वास्ते और बीच में थे मिल गया महाराज बढ़िया काम हुई जन वो सिंह हो जो महाराज बड़ो भारी दयालु भी क्यों तय इतनी बात की है जनता हूँ खाऊं को नहीं और मैं अठे हजारों मिन खरे मतलब कोई है कि जान घमाई है महाराज का कंकाल पड़िया है मार मां कोई मां थोड़ो बहुत है जो महाराज सोनो चांदी आभूषण बार फेरुड़ा बीमार को काम रहा था ये कंकाल भरिया है तू है जो अर्म निकाल ले और ले जा। ब्राह्मण चौकी तरह जो निकाल रही खड़ी हो गई अर्ग्यो कदे ब्याह होती रो बोले फलाण दिन है तो जन वाली ब्याह में निमंत्रण दे भी क्यों महाराज थे या उधर बस मारो गनाई कट गई हैं क्यों चिंता मत कर पन पूरी छड़ी को ना उनमें थारो है जो दोनों है जो धर्म विचार करके और अग्नि में साक्षी मान और बैठे जो भाई बढ़िया है तो मन काते तांतन कौन दे केनी मैं जो मरा तकली कौन दे अब मेहंदी रात आई एर मरा सब भाई है गिनाई ते बेने स्वास्नी है जगह सगा संबंधी इत्यादि जो आमन लाई दिन के भाई जी है जो आया हाँ फलसो गौन खातर जो ही सिंह है जो भी फड़े रहे हो बढ़ियो एर गिनाई ते बैठा आया जगह हमारा ठो जगह छोड़न लगा दिन भी ब्राह्मण देख रहे क्यों कोई करो बोले और सिंह आ गयो खाई है बोले चिंता मत करो ओ मारा बतनो में बंदी उड़ो है और ओ एक कुत्ते जेड़ो है सिंह रे तोन के दुनी एडी चोटी लागी पर बड़ बचन हा बचन मुआ सो नर मुआ और कौवा मुआ अजान नाम लिया समसीर कार के उठा लिया है धनुष का बाण जगेर आदमी रो जो वचन गियो यूं समझ लो जो कूती गियो रो जे मारा आजकल जो मारा आजकल लाई में के गण करा के मर्दरी जुबा अंदर गाड़े रो टायर है जो गली गली में घूम तो फिरे गाड़े रो टायर तो कई और ज्यादा ही ठीक है जुबान बट्टी कन थोड़ी है पण मारा जगीत कौ करो सिंह बोलियो बोल ब्याह तो कित रो गियो भाई गिनाई सगा संबंधी सब सीख लेकर के विद्या भैया जन्मी ब्राह्मण देख रही लो भाई जी आओ आप बड़ा हो थोनी की दस्तूर करूं धोरी भी क्यों दस्तूर तय कर दियो जो आओ तो बड़का कर गई तू यो कर घर में कुवाड़ो है बोले कोई करो थे कुवाड़े हमें तो क्यों बच्चों ये जो मंगल कर दी बोले तू ला अरे भाई जी करो कोई यो लावे है का न्याल कर जन ऊत बीड़ो तो होई ब्राह्मण क्योंकि मियां और ओज को वे महाराज आराधनी री कुवाड़ो ले बोले कोई करना बोले मारे माथे माई कुवाड़ री तम आवे जड़ी है जो गसार बाद कोनी भी देखियो कणे लागो टोंग को सा धरकाई जो थन कई दिन चार अंगल है जो मां बाड़ दियो कुवाड़ो अब क्यों एक ही नाल नहीं तो मारी भी गोरी की बात आई तनखाऊं कौन चिंता मत कर तन परचो ही देणो मने ब्राह्मण है जो एक महीना दिन की गुरीर मत गियो के माथे में कुवाड़े ढोगी बे गाव देख पाची रमाड़ी आ गया मिल गियो महाराज बो बटते मन बोल कियो नहीं बो मारे अजी कोई खेत कोई खटकी महाराज तो भी जगह है जो महाराज यूं कह देव तो गा सिंह है पर चिंता मत करो मार वचन है देवड़ा थन दगली कौन दे करे ते मन कियो कुत्ते जेड़ो है तुम्हारा ऐसा बोल है जगह कौन करे आप लोग करे जन महाराज के वर सकता गाव तलवार कारी बोली का गाव वरी ना बोल नहीं जगह ने पहली पांच चार बार भी नहीं माँ गोखो बिने तोलो माँ शरीर में पहले और पच भी तो दुनिया रमा खोलो महाराज तोल जो कर आवे जो इन गपड़ गपड़ बोल बोल कर दस्ते जो इन महाराज यों को भी आगे जाऊं तो बस रिजल्ट कोई पड़ी जन महाराज के बोली हूं कहीं हुए जन के पीहर का गमन किया भरगुजी की नार ने भरगुजी ऋषि आ गए और स्त्री एक बार कोई है के पीहर की उड़ा ए ऋषि है जो आप ही है जो महाराज रसोड़ो करे रोटी पकावे
क्योंकि माया माया चार दिन फिर जाती रहनी है लारे टोपिया गुदड़ भाठा तो ने के दिन गले मोए जो को ले उड़ा ला दे बस इयो कोई करियो कथे पाथा वद नहीं जगह करियो कोई के बस अंधा पड़े कोन थे पाथा दिन गिया दर मते मतो थनाल कर दिया रे जन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों है जगह बैठा वैकुंठ में लक्ष्मी जी देख भरगुदी ऋषि ने हमारा लक्ष्मी जी ने हंसी आई एर भगवान विष्णु भी हंसिया पीर का गमन किया भरगुदी की नार ने के ऋषि को उदासी छाई सेवाओं के कारण उसे देख करके हंसी आई लक्ष्मी के वरदार ने भगवान विष्णु ने हंसो आयो एर ऋषि है जो महाराज भगवान ने देख करके और क्रोध में आ गया हंसता हुआ देख ऋषि के क्रोध किया मन में और विष्णु को श्राप दिया क्रोध करके तन में अरे के नारी के वियोग से ती भटकोगे वन में थे मन लुगाई रे वास्ते हंसो जाओ एक दिन थई है जो को लुगाई रे वियोग रे माथी रो एर मारा फिरनो पड़ियो भगवान राम जी अर आ बड़े है बोले कोई के दशरथ सुत राजकुमार का थर दशरथ जी करे जो महाराज अवतार होय अवध बतीर करे दशरथ सुत राजकुमार का री भी हनुमत बिना काज सरे ना हाँ भर सकता गाव तलवार का कह देखो बोली का गाव बरे ना तो कवि कहे और लिखिए अरे शंकर और पार्वती बैठे देखे लाश में बोली का गर्भ धरे
हरे कृष्ण चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान शंकर और माता पार्वती एक केंद्र में कैलाश पर्वत रे माता बेटा इने महाराज बंदरे मां पांच नाम दिया एक बार शास्त्र मां गौ माता है जगह बंदरे मां चले और बी टेमर मां गिरजा है जगह बना देख करके भगवान ने शंकर री आंसू आयो बोल देखो महाराज कलयुग आयो है जगो एक गौ है और क्योंकि पति है जगो पांच है पांच जगह नंदी साक्ष में शंकर और पार्वती के बैठे थे कैलाश में अरे नांदी थे पांच एक गौ के चल रही है घास में और गिरजा हंसकर बोल मारा के पांच पिया है पास में और गौ माता वो बोल सुनी है और गिरजा ने बड़ श्राप दे दिए सुन के वचन जब के गौ ने श्राप दिया अरे ऐसे काई गिरजा प्यारी तेरे होगा पांच पिया जो चिंता मत कर ऊपर तो तू ही ले ले वाले शंकर भगवान ने के पांच रूप धार लिया भगवान शंकर ने पांच रूप धारना पड़िया कट के पति पांच भई द्रोपद नार के गौ मां का वचन चले ना बरसर का घाव तलवार का बोली का घाव भरे ना द्रौपदी भगवान शंकर ने कनु है जगो भगवान ने कनु ऐ वरदान मांगिया के महाराज पांच गुण वालो पति हुए धर्म की रक्षा करने वालो ही हुए बलवान भी वे और महाराज बाणावली भी वे ज्योतिष भी वे और स्वरूप भी वे यानी क्यों इतना गुण एक में मिले गोल का तो कोई ढोलक बजाऊं ना मिली का खाली एक और गुण बजाऊं ना मिली का गाऊं ना मिली हगला गुण एक में वे गोल तो जन क्यों मने आप नहीं हो जो वो बाहर ले पड़ी भगवान शंकर पांच पांडव रे रूप रे मां अवतरित रिया पति पांच वही के द्रौपद नार के और गौ मां का वचन चढ़े नारी भर सकता घाव तलवार का के बोली का घाव भरे ना अरे महाराज जगी कड़े वे नहीं जगी दो तीन चीजों में विशेष हुए तीन चीजों रमा ते विशेष कृपा है ये तीजरी जर जोरू और जमीन एक तो रुपये पैसे लिए जगी महाराज जोड़ जपाड़ होकर के मोटी कड़े हो जाया करे और एक है जगी लुगाई भी कड़े हुए एक है जो हमारा जमीन रही अब हमारा पांडवा रहे इतो मोटो महाभारत है जो कुरुक्षेत्र में युद्ध यो कार वास्ते के एक द्रौपदी ने बोल रहे वास्ते क्योंकि पांडवा एक महल बनायो विचित्र बनायो कौरवा निमंत्रण दियो तो कौरवा मां सबसे बड़ो है जो हमारा दुर्योधन है और छोटो दुशासन ना याद करे महाराज सो उठा गए द्रौपदी काई बोल मारियो है और कवि काई लिखे बड़ी ध्यान देर सुन रही बात है सदना अरे द्रौपदी ने बोल मारा दियो कारण को आसपा में माया करना सत्य धारण को
रे अंधे का बताया रे अंधा मान आनी अपने बताया रे अंधा अंधे का बताया रे अंधा मान आनी होने को आ दुए रे पीछे कौरव जीते पांडू लगे आरने आ द्रौपदी सभा में आई बोली उठे कारण अरे दुशासन सभा में ले क्यों तीर फूंका किया है किसन को प्यारे को रे याद किया है किसन को प्यारे को पति बाजू साय करे दुर्योधन कर्ण को जो ही वे कौरव है जगह बट आया कर्ण है दुर्योधन है दुशासन है सारा मामो शकुनी एर मारा जिस पानी हो नहीं बीज या बा अंग वस्त्र है जगह ऊंचा किया एर द्रौपदी ऊंची है जिसकी मारा दबर दो रखेर मार खड़ी है देख है बात एर जिस पानी हो बीज या मान लागियो कौन भी बाहर विचार बट पानी है कौन जन महाराज वे सारा अंग वस्त्र जगह कपड़ा जगह भीगा भी पानी जन द्रौपदी खिलखिला करके हंसी और बड़ बोल मारियो क्यों भाई ऑन देर ऑन भाई जलम क्योंकि धृतराष्ट्र अंधो हो इतने ही बात रे खातर इतो मोटो ओ महाभारत युद्ध रचियो एक बोल रे खातर अंधे का बताया अंधा के माना नहीं होने को अर पछ के जुए बीचे कौरव जीते पांडू लगे हारने द्रौपदी के बाद सभा में आई बोली उनके कारण योगिनी नहीं दावरे मत लगा दी पांडू दुशासन सभा में ले गयो इन चीर को उतार जगी टेमर में दुशासन चीर रण करने लागियो मी टेमर में पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी महाराज पांचों पांडू सब बट विराजमान है द्रौपदी बहुत रोई पर कोई सहायता कर पहुंच सके जन बड़ भगवान कृष्ण ने याद करे बोले हे दयाल हे मुरली वाला अब थारी जरी तरह क्योंकि अगला शस्त्र पड़े नहीं जन जन याद करे मारा नहीं जन कुल पूछे मारा किर जरूरत पड़ी किर फोड़ो पड़ी है हाँ खड़ी गली वे आधी रात ने कदी काम पड़ जानी एक ले रो निकल में जन बोले गोद में साधने कटने आवे मांगे जब नाम सुनावे गोद में जाने कटने आवे मांगे जब नाम सुनावे तो भाभी ने बोले बताया तो घर को हुए नहीं किसी को सना सना करे है पंडर तो करे बस अब द्रौपदी भगवान कृष्ण ने याद करे और भगवान ने कोई कहे Oh,
नीरा भगवान कसम रही है जी एक प्रेम परी है जी पुकार करी है और ऐसे ही द्रौपदी है जी आप पुकार भगवान कसम दरतीरों का गज करूं और समतर करूं दे दवा लिखने वाली सरस्वती तो फिर भी क्यों अरे बाल पणो दोन गयो रे ए पंडू हो गया केस दे ओ हरी निर मोई रे समझिया हरी गाय बसों पर दे Thank you.
ये समझिया
में ऐसा अरे जान पीले ओ प्रीतन करती ओ दे में ऐसा अरे जान पीओ आप प्रीतन करती को ऐसा मरिया ओ प्रीतन करती ओ नगर डिंडोरा याद किया है कि कृष्ण मुरार को अरे पति तेरी 500 साल करेना बरसता घाव तलवार का कहे बोली का घाव भरेना बड़ भगवान कृष्ण ने याद किया तो द्रौपदी को महाराज भगवान कृष्ण सीधे में प्रवेश हो गया अरे अनंत बड़ायो अधाधार तो चौथे चरण में बाबा लिखे ई बोली हुई है अरे जिसकी बारी है बोली इमीरत की खान है ये जिसकी बारी है बोली जिसकी बारी है बोली इमीरत की खान है बोली से अनादर होता बोली का ही मान है अरे बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है ओ बोली को संभाल भाई रे बोली को संभाल प्यारे सार की जपाई
विष की वरी है बोली के इमिरस की खान है ये बोली में तो विष है जो को हमारा देखकर बोलने में तो जहर घोल दिया करे इतनी में ये जो अमृत है लोक दी जो महाराज कोई पूरे गांव में जो लड़ती जन गांव वाला देख रही जो यूं मती करो ना एक दो जगह आवे अगली जगह पूरे गांव में उगे को नहीं जो बारी बांध लो जन लोग ने बैठा नहीं क्यों यूं है तू है जो बारी घर घर में दार सुबह सुबह सारे लड़िए जा कर जन नई बीन नहीं आउडी और हाँ सुख जो बेटा फुर्ती हो रोटी कर बोले कोई बात है जड़ है जगो क्यों डोकरी है जगो पूरे गांव में जगी लड़े हैं और आज आपकी बारी है भी क्यों बारी है जगो पूर्व गांव ने भी बारी होनी निदान कराओ ने भी माउंट उपनाओ ने भी एक दूसरे ने जगो मरा धोंगो दिया करे भी री बारी है लड़ने लड़े में तो आई होनी बोलने तू फुर्ती कर बाने ना हूँ नाली भी क्यों चिंता मत करो आज हूँ क्यों बात करो जन हासू देख रही बोले बेटा तू लड़ी जन बस गांव रार बास रार कहीं काले तो थोड़ी फनी जरा ये आ जाए जो हम ही बोलने लागे जन बुंदी लाग बोले चिंता मत करो थाने बोल नहीं बोल बड़ोकरी तो आ गई हम जब वो लड़ाई करे जब वो हूँ क्यों बोले डोकरी तो आऊं तीर जो क्यों जब कोई मारे जो पूरा होता दल मुड़े जो आऊ देखो अंबा गाड़ियों काटने लगी जन आधी घंटों हुई जन बार बीन नहीं है जो लोटो लेर गई क्यों मां थोड़ा पानी पी लो आधी घंटे को थन तुम बड़ो हुकन लाग लाग डोकली है जो पानी पी और वक्ति जी मरा मैं बड़ लाग गई घंटों कौन यो बड़ वक्ति जन बार है जो दो चार सब्जियों बनाई एर पानी आड़ दें है जो मरा दी इंग्री कटी बनाई छोटा छोटा फलका बड़ा की है जुगमा और मिष्टान बना रहा थाल सजार कि माँ थोड़ो भोजन कर लो काफी टाइम हो गई था दो तीन घंटा हो गया जो गाड़ काड़ था जो है थोड़ो की थक गया जो की शरीर में ऊर्जा भी होनी जरूरी है डोकली जिमीर का बट जीवर हो क्यों मोरो लागू तो बड़ को लड़ूंगा आगड़ी गड़ी इंतहा मत कर तो बीर मां आ महाराज भी विशेष चाहिए प्रेम रे दायरे रे माथे भी नहीं जो कुमारा पगार थोड़ा दी काटे लड़नो थोड़ा दी विष की वरी है बोली के इमिर की खान है और बोली से अनादर होता और के बोली का ही मान है बोली अनादर है और बोली में जो को मान बढ़िया करे और बोली से नरकों में जाता बोली हूँ आदमी है जो को नरक में चलो जाओ और बोली से कल्याण है बोली हूँ आदमी है जो को कल्याण हो जाए बोली से नरकों में जाता के बोली से कल्याण है बोली को संभाल प्यारे के सार चीज पाएगा अरे जन्म मरण बहुत दुख मिट जाएगा अरे के कही माधव सुन भैया तू पार उतर जाएगा सुमरण करोगी सरदन हार का अरे प्रभु बिन कोई विपत अरे ना अरे भर सत्सा घाव तलवार का कहे बोली का घाव भरी ना बोली कृष्ण चंद्र भगवान की पवन सुख हनुमान की श्यापति राम चंद्र भगवान